आज प्रभु वृंदावन लीला कर रहे हैं, समस्त ब्रजवासियों को आनंद देते हैं। प्रभु अपने मित्र मंडली के साथ में घर घर जाकर के गोपिकाओं का माखन चुराया है। माखन लीला से अपन को यही समझना है कि क्या प्रभु के घर में माखन की कमी है। नौलख ठेनु नंद कर दूजे एक ने बांझड़ली, नवलख धेनु नंद घर दूजे एक ने बांझड़ली, माखन माखन कनवा खा गए। नंद भवन में 9 लाख गैया हैं तो भगवान को क्या माखन चुराने की आवश्यकता थी। इस माखन लीला से प्रभु अपने भक्तों के मन को चुराते हैं और ये सब काम मन ही कर पाता है। जिसका मन भगवान के चरणों में लग जाए, शरीर कहीं पड़ा रहो, मन से अपने वृंदावन चले गए, शरीर यहां बैठा है तो पुण्य मिल जाएगा। 2 मित्र हैं, एक मित्र भगवान के तीर्थों में रहता है, एक मित्र गांव में रहता है। कभी कभी मिलते हैं तो चर्चा करते हैं कि भैया तेरा तो कितना बड़ा सौभाग्य है कि तुम भगवान के तीर्थों में रोज यमुना स्नान करता है, नित्य भगवान का दर्शन होता है, तेरे भाग्य का तो क्या कहना। अब गांव वाला मित्र तो ये बात कह दी, और जो तीर्थों में रहता है वो अपने मित्र की याद करता है कि यहां क्या है, गांव में कितना आनंद है, कैसे गांव में खेलते थे, वो अपने गांव का बचपन याद करता है। भैया धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, जो तीर्थों में रहने वाला था उसका अगला जन्म गांव में हुआ, और जो गांव में रहने वाला था उसका अगला जन्म तीर्थ क्षेत्र में हुआ। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है कि यम यम स्मरण भावेन तजन्ते तकलेवरम, जो व्यक्ति अंतिम समय में जिस जिस भावना से जिस जिस वस्तु का याद करता है अंत में मैं उसको प्राप्त करवा देता हूं। तो वो तीर्थों में रहने के बाद भी वापस गांव में जन्म लेना पड़ा, क्यों कि वो दिन भर तीर्थों में बैठा जरूर रहता था लेकिन याद किसकी करता था, अपने गांव की। और उसका एक मित्र जो गांव में जरूर रहता था लेकिन याद करता था अपने मित्र की, तीर्थों की, भगवान की। इसलिए सबसे बड़ा अपना काम बनाने वाला ये मन है, इस मन को समझो। अरे मन, संसार के विषयों में कुछ नहीं रखा है। तज मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुबुद्धि मन उपजते, पड़त भजन में भंग। तज मन हरि विमुखन को संग, तज मन हरि विमुखन को संग। इसलिए अपन कहीं पर भी निवास करें लेकिन हमारा लक्ष्य केवल भगवत लीला श्रवण करना। आज ब्रजवासी भगवान का सानिध्य प्राप्त करके अति आनंद में है। भगवान गोपिकाओं के घर जाते हैं, माखन चोरी करते हैं। एक दिन एक गोपी अपने घर में प्रसाद बना रही थी,
तो भगवान उस गोपी के घर गए हैं, जाकर कहने लगे कि अरे गोपी क्या कर रही हो। बोली लाला देख कल हम सत्यनारायण भगवान की हमारे घर में कथा है, इसलिए मैं प्रसाद बना रही हूं। तो भगवान कहने लगे कि हमें भी प्रसाद दो ना। बोले लाला ऐसे ही थोड़ी मिलता है, कल पंडित जी आएंगे, कथा सुनाएंगे, आरती होगी, फिर प्रसाद बांटेंगे ना। तो भगवान कहने लगे कि हमसे बड़ा जय जय और कौन है, हम तो सबके जय जय हैं। तो उस गोपी ने मना कर दिया, नहीं नहीं लाला अभी प्रसाद नहीं मिलेगा। अब भगवान थोड़ा नाराज हो गए, बोले हमको गोपी ने मना कर दिया, प्रसाद नहीं दिया। तो भगवान उस गोपी के घर से बाहर गए और दो कुत्ते के पिल्ले लेकर के आए। उस गोपी के पूजा घर में दोनों कुत्ते के पिल्ले को बिठा दिया और पीछे से खिड़की से कहने लगे, अरे गोपी तेरे घर में तो साक्षात भगवान प्रकट हो गए हैं, जा भोग लगा दे। अब गोपी प्रसाद को अलग करके चूल्हे से नीचे उतार करके दौड़ करके अपने पूजा घर में गई, तो वहां पर क्या बैठे हैं, कुत्ते के पिल्ले बैठे हैं। अब गोपी दुखी हो गई कि मैंने लाला को मना कर दिया, तो इसने ला करके कुत्ते के पिल्ले बिठा दिए। ऐसे हर गोपी के घर जाते हैं प्रभु, कुछ न कुछ लीला करते हैं। महाराज क्या बताएं, वह गोपी ने अपने पूजा घर को धोया है, फिर प्रसाद बनाया है, दूसरे दिन भगवान सत्यनारायण की कथा हुई, सब ब्रजवासी उसके घर भोजन करने गए, लेकिन लाला भोजन करने नहीं गया। अब रात्रि में वो गोपी अपने घर में सो रही थी, क्योंकि दिन भर में कार्य में थक गई थी ना। गोपी अपने आंगन में सो रही है, उसका घरवाला पास में सो रहा है, तो घरवाले की बहुत बड़ी बड़ी धाड़ी थी, तो भगवान चुपके से जाकर के उसके घरवाले की धाड़ी और उस गोपी की चोटी के गठान लगा दी। रात्रि अर्धरात्रि में जब गोपी को प्यास लगी तो ऐसे अचानक उठ करके जाने लगी, तो उसके घरवाले की धाड़ी कनेक्शन एक हो गया ना। तो घरवाला चिल्लाने लगा, कहाँ कर रही हो। बोले तुम कहाँ कर रहे हो, मेरी चोटी काय को पकड़े। अब देखे तो दोनों के गठान लगी है, बेचारे की आड़ी धाड़ी गायब हो गई। कैसे जैसे करके गठान को खोला, अब तो गोपी कहने लगी ये काम नंद के छोकरे के सिवा कोई नहीं कर सकता। भगवान एक दिन एक गोपी के घर के द्वार पे खड़े हैं, गोपी से कहने लगे, अरे गोपी तेरे घर का माखन बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा माखन खिलाओ ना। तो गोपी कहती है, अरे लाला तुम्हारे घर में तो 9 लाख गैया है, हमारे तो इतनी गैया है नहीं, इसलिए माखन तो नहीं, तुम्हें छाछ पिला देंगी। तो भगवान कहने लगे ठीक है छाछ ही पिलाओ। बोले छाछ ही तेरे को जब पिलाएंगी हमें थोड़ा नाच दिखा। क्या कह रहे हैं, हमें थोड़ा नाच करके दिखा। तो भगवान उस गोपी के घर के द्वार पर नाच रहे हैं। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, देखो राजन समस्त चराचर मंडल संसार को बनाने वाला आज गोपी के घर के आंगन में द्वार पे नृत्य कर रहा है छाछ पीने के लिए। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहु निरंतर ध्यावे, ताहि अहीर की छोकरिया छचिया भर चाच पे नाच नचावे। सुखदेव जी वर्णन करें, राजन देखो समस्त लोगों का अध्यक्ष आज छाछ के पाने के लिए गोपी के द्वार पर नृत्य कर रहे हैं। गोपी का
जैसे ही नाच देख करके अब भगवान पसीना पसीना हो गए और कहने लगे लाओ अब तुम्हारे घर की छाछ पिलाओ। तो गोपी कहती है अरे कन्हैया इतना तू कोमल है तुमको थोड़ी छाछ पिलाएंगे। गोपी थोड़ा अपने घर से माखन लेकर के आती और अपने हाथों से माखन खिलाती, थोड़े कपोल पे माखन लगा देती है। ऐसे ब्रजमंडल की गोपिकाओं को प्रभु आनंद दे रहे हैं। कभी कभी प्रभु अपने मंडल के माध्यम से गोपिकाओं के घर चोरी करते हैं तो गोपिकाएं शिकायत लेकर के मैया के पास आती है कि मैया क्या बताएं, तुम्हारा लाला जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, ये हमारे घर से माखन चोरी करके लाता है। तो भगवान ने पहले कह दिया कि मैया ये गोपिकाएं मेरे पीछे पड़ी है आजकल, ये मेरे लिए कुछ भी कह सकती है तो इनकी बातों पर ध्यान मत देना। मैया ने कहा ठीक है लाला, कोई भी गोपी आएगी तो मैं उसकी बात पर ध्यान नहीं दूंगी। अब एक दिन गोपिकाओं का झुंड 8-10 गोपियां मिल करके मैया यशोदा से शिकायत की तो मैया ने कहा कि मैं तुम्हारी बात को ऐसे नहीं मानूंगी, तुम मेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ करके लाओ कि मेरा ही लाला चोरी करता है। तो आज ब्रजमंडल की गोपिकाओं ने कहा कि ठीक है आप हमारी बात नहीं मानो तो कभी हम पकड़ करके लाएंगे। एक दिन एक गोपी सुबह सुबह प्रातःकाल पनघट पर यमुना जी में पानी लेने के लिए जा रही है। भगवान पीछे से उसी गोपी के घर जाते हैं अपने मंडल को तैयार करके। गोपी ने ऊपर में छींका लगा करके माखन की मटकी रखी। भगवान अपने मंडल के साथ जाते हैं। एक मित्र को ने कहा कि अरे मित्र अपन सब छोटे हैं, ये माखन की मटकी तो इतनी ऊपर है कैसे उतारे। तो भगवान ने एक बांस का डंडा लेकर के आए और उस मटकी को धड़ाम से वहीं फोड़ा, पूरा माखन नीचे गिर पड़ा। सब बैठे बैठे वहीं माखन खा लिए और जो बचा माखन उस माखन को पूरे आंगन में लेपन कर दिया। और इतना ही काम किया इतने में तो गोपी आ गई। भगवान के मित्र तो सब भाग गए लेकिन भगवान पकड़े गए। भगवान का हाथ पकड़ करके गोपी कहने लगी कि यशोदा कहती है कि मेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ करके लाओ, आज तो इस लाला को इसी माखन भरे हाथों से मैं यशोदा को दिखाऊंगी। तो आज प्रभु उस गोपी के, गोपी ने हाथ पकड़ रखा है और गांव में चिल्ला रही है अरे यशोदा तू कहती है ना कि मेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ करके लाओ, आज बताती हूं। ऐसे चिल्लाती चिल्लाती जा रही है। अब मार्ग में देखो कि उस गोपी का घरवाला बैठा था तो भगवान के और उसके घरवाले के काफी मित्रता थी आपस में। तो देखो गांव में आज क्या रिवाज है कि हर महिला घूंघट निकालती, तो वो घूंघट निकाल रही थी उसको बाहर कुछ दिखा नहीं। तो भगवान ने हाथ से इशारा किया और उसी के घर वाले को बुला लिया और कहने लगी अरे गोपी मेरा ये हाथ दुखने लग गया है कि मैं कहीं भाग के जा रहा हूं, ले मेरा ये वाला हाथ पकड़ ले। तो भगवान ने क्या किया कि उसी गोपी के घर वाले का हाथ पकड़ा दिया। अब घूंघट में उसको समझ में कुछ आया नहीं और चिल्लाती चिल्लाती नंद भवन की ओर जा रहे हैं। और भगवान दौड़ करके बाईपास रास्ता से नंद भवन के अंदर चले गए। माँ यशोदा से कह दिए कि मैया ये गोपिकाएं मेरी कोई भी शिकायत लेकर के आए तो ध्यान मत देना। भगवान जाकर के नंद भवन में सो गए। गोपी चिल्लाती चिल्लाती आ रही है और जैसे ही नंद भवन में पहुंची अरे यशोदा, यशोदा कहने लगी सुबह सुबह कौन गोपी आई है, क्या बात है गोपी। बोले देख तू कहती कि मेरे लाला को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ो,
आज देख पकड़ करके लाई है। अब यशोदा हंसने लगी कि गोपी पागल हो गई है, अपने ही घर वाले को पकड़ करके ले आई। मैया यशोदा आवाज लगा रही है, अरे कन्हवा, तो भगवान अपने सैया से उठ करके आंखें मसलते हुए धीरे धीरे नंद भवन के बाहर आ रहे हैं। दीनी है आवाज, माता कृष्ण को जगाया है, रुण झुण नो पद बाजे, लाला उठ आया है। मैया यशोदा ने जैसे आवाज लगाई तो भगवान के कड़े बज रहे हैं, प्रभु आए हैं। गोपी ने अपना घूंघट उठा करके देखा तो सामने उसके अपने ही घर वाले को पकड़ करके ले आई। यशोदा डांटने लगी, अरे गोपी क्या पागल हो गई, अपने घर वाले को लेकर के आ गई। अब तो गोपी कहती कि अरे यशोदा, ये तुम्हारा लाला की लीला समझ में नहीं आती, पकड़ा तो इसी को था पर ये हाथ में कैसे आ गया। हे यशोदा, आज से मैं सौगंध खाती हूँ कि कभी तेरे लाला को कुछ भी नहीं कहूंगी, ये चाहे जब आए और चाहे जब जाए। प्रेम से कहिए श्री राधे श्री राधे। भगवान के पास मैया यशोदा कभी बैठती और कहती, कन्हैया तू ये चोरी क्यों करता है, कहां से सीखा? तो भगवान ने देखा कि आज माँ को भी बता दे कि चोरी कैसे करते हैं। आज प्रभु प्रातःकाल जल्दी उठे, माँ को विश्वास नहीं हो रहा था ना कि मेरे लाला चोरी नहीं करता, तो भगवान ने देखा कि आज माँ को भी थोड़ा दिखा दे। तो प्रभु आज अपने ही घर के अंदर में 10 किलो मटकी का माखन, उस माखन की मटकी के पास जाकर के अपने हाथ से निकाल निकाल करके माखन खाने लगे। इतने में माँ यशोदा आ गई, अरे लाला। हाँ माँ, बोले 10 किलो मटकी का माखन तूने जूठा कर दिया ना, अरे तेरे को माखन ही खाना था तो अलग प्लेट में ले लेता, ये पूरे माखन को जूठा क्यों किया? तो भगवान के मुख से निकल गया, बोले माँ मैंने माखन नहीं खाया। क्या कहा? मैंने माखन नहीं खाया है। तो माँ यशोदा कहने लगी, तो ये तेरे हाथ माखन में क्यों गए? अरे मैया क्या बताएं, तूने मेरे हाथों के अंदर में जो ये पद्मराग की मणि पहना रखी है ना, ये कड़े पहना रखे हैं, इन कड़े के अंदर में पद्मराग की मणि लगी है, इसमें इतना तेज प्रकाश निकलता है कि मेरे हाथों में जलन होने लगी, तो मैंने सोची थोड़ी देर माखन के अंदर में रख दें तो थोड़ा ठंडा हो जाए। तो मैया को हंसी आने लगी, लाला ये वो बात तो ठीक है, लेकिन ये बता तेरे इस मुख में माखन कैसे लगो? तो भगवान कहने लगे, मैया कहां बताए, उसी समय एक चींटी आकर के मेरे होठन को काटने लगी, तो मैंने माखन भरा हाथ हटाने के लिए अपने मुख से चींटी को हटाया तो वो माखन होठों पे लग गया। आज मैया को स्तुतलाती भाषा में भगवान की दिव्य वाणी को सुन करके अति आनंद होता है। परीक्षित कह रहे कि मेरे को तो सुनने में ही आनंद आ रहा है, उस समय मां यशोदा को कितना आनंद आया होगा। महाराज भगवान की लीला इतनी दिव्य लीला है कि जो श्रवण करने में जो आनंद आता है उसमें परिवार संसार सब भूल जाता है। मां यशोदा और नंद बाबा का तो क्या कहना, उनके साक्षात भगवान की लीला का दर्शन किया है। नंद बाबा कभी घर से बाहर जाते इधर उधर देखने लगते तो भगवान नंद बाबा की चरण पादुका अपने मस्तक पर रख करके कहते, बाबा ये लो तुम्हारी चरण पादुका। परीक्षित कहते हैं कि देखो नंद बाबा की चरण पादुका भगवान अपने मस्तक पर धारण करके लाते हैं। ऐसे महाराज क्या बताएं, भगवान की दशम स्कंद की जो लीला है ये संसार भूलने की लीला है, ये परमात्मा को जागृत करने की, अपने भवन में अपने हृदय रूपी सिंहासन पर बिठाने की लीला है। एक दिन माँ यशोदा सुबह दधि मंथन कर रही है,
दधि मंथन करते करते माँ यशोदा के आंखों में जो अश्रु बिंदु आने लगे तो भगवान जाकर कहने लगे कि अरे मैया तू रो क्यों रही है। तो मैया के मुख से निकल गया कि बेटा चोर की माँ तो रोया ही करती। बोले मैया क्यों क्या हुआ। बोले दिन भर में तेरे कितने उलाने आ जाते हैं कि आज तुम्हारे कन्या ने हमारे घर में माखन चोरी कर ली, वो कर ली, ये कर ली। तो भगवान कहते हैं कि माँ तुम चिंता मत करो, मैं अब चोरी नहीं करूंगा। पहले तो ये बता कि ये घर किसका है। बोले नंद बाबा का घर है। तो भगवान ने कहा ठीक है माँ। इतने में थोड़े से देर में वृंदावन की दो गोपी आई। गोपी आकर कहने लगी अरे माँ यशोदा हमारे घर की मटकी फूट गई है। तो यशोदा जी ने उन दोनों गोपिकाओं को दो मटकी दे दी। इतने में एक गोपी आई अरे यशोदा क्या बताएं, हमारे घर के अंदर में दधि मंथन करने की रस्सी नहीं है। तो मैया ने रस्सी दे दी। अब जो वृंदावन की गोपिकाएं जो चीज मांगती माँ यशोदा दे देती। तो भगवान कहने लगे कि माँ अब मेरे समझ में आ गई तेरी बात। लाला क्या समझ में आई। बोले ये बता कि ये घर किसका है। बोले नंद बाबा का। तो नंद बाबा तो घर में है नहीं और तुम पीछे से चोरी कर करके किसी को मटकी दे रही है, किसी को रस्सी दे रही है, किसी को बाल्टी दे रही है। तो माँ यशोदा कहने लगी कि देख ये घर तेरा भी है, नंद बाबा का भी है और मेरा भी है। अच्छा मैया अपने घर में जो कोई वस्तु दे दे वो चोरी नहीं होती है। तो भगवान कहने लगे कि माँ मैं आपकी सुगंध खा करके कहता हूं मैं तो इस वृंदावन के हर घर को अपना ही घर समझता हूं, चाहे जब चला जाता हूं चाहे जब माखन खा करके आ जाता हूं। तो माँ यशोदा कहने लगी लाला मैं तो ये समझ रही थी कि हम बूढ़े हो जाएंगे, वृद्धावस्था आ जाएगी तो हमारी तो सेवा करेगा, तो क्या वृंदावन के हर घर की तो रक्षा करेगा, सेवा करेगा। बोले हाँ माँ अवश्य सेवा करूंगा, जब भी वृंदावन के ऊपर कोई संकट आएगा तो मैं हर प्राणी की रक्षा करूंगा, सेवा करूंगा, ऐसा भगवान ने माँ के सामने प्रतिज्ञा की है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक दिन दो गोप आए आकर के नंद बाबा से कहने लगे बाबा आज हमारी दो गैया मर गई। नंद बाबा ने कहा क्या हुआ। बोले यमुना में पानी पीने के लिए गई और पता नहीं यमुना के पानी में क्या हो गया है, जो पानी पीता है वो वहीं पर मर जाता है। तो नंद बाबा ने दो गैया उस गोप को दे दी। भगवान ने ये लीला देखी कि आज हमारे यमुना को दूषित किसने किया है। तो प्रभु एक दिन अपने मित्रों के साथ में यमुना के तट पर गेंद का खेल खेलने के लिए प्रभु अपने मित्रों के साथ गए हैं। गेंद का तो एक बहाना है प्रभु उस यमुना के अंदर में जो दूषित होने वाला जल काली नाग उसमें बैठा है प्रभु उसको निकालने के लिए जा रहे हैं। थोड़ी देर अपने मित्रों के साथ में यमुना तट पर गेंद का खेल प्रभु ने खेला। फिर भगवान ने गेंद को अपने बल्ले से इतना तेजी से मारा कि यमुना के अंदर जाकर के वो गेंद गिर पड़ी। तो भगवान के मित्र कहने लगे कि कन्हैया हमारी गेंद तूने गिराई है, तुझे ही ला करके देना पड़ेगा। भगवान कहने लगे कि हाँ मैंने गिराई है मित्रों, मैं लेकर के आता हूं। तो भगवान अपने पीताम्बर को थोड़ा कसा है, कमर में दुपट्टा बांधा है और कदम के वृक्ष पर प्रभु चढ़े हैं और यमुना के अंदर में छलांग प्रभु ने लगा दी। जैसे यमुना के भीतर प्रभु गए अंदर में गए तो वहां पर काली नाग बैठा है,
शयन कर रहा है, नागिन उनकी सेवा कर रही है। भगवान के इस स्वरूप को देखा तो नागिन को दया आने लगी। भगवान के इस दिव्य स्वरूप को देख करके नागिन कहने लगी, को निगम से आयो रे लाला, कहा तिहारो नाम है, कौन सखी का पुत्र कही जो, कहा तिहारो नाम है। लाला कहां से आया है, कौन सा गांव है, तुम्हारे माता पिता कौन है, तुम्हारा नाम क्या है। तो भगवान कहने लगे कि पूर्व दिशा से आयो रे नागिन, कृष्ण हमारो नाम है, माता यशोदा पिता आनंद जू, गोकुल हमारो गांव है। मेरा नाम कृष्ण है, मेरे माता का नाम यशोदा, पिता का नाम नंद बाबा, गोकुल मेरा गांव है। तो लाला यहां पर क्यों आया है। भगवान कहने लगे कि मेरी मां दधि मंथन करती है ना, उस समय बार बार रस्सी टूट जाती है, तो मैंने देखा कि इस काली नाग को ले जाकर के मां को दे दूं तो रोज रोज दधि मंथन इससे करती रहेगी। नागिन को थोड़ा क्रोध आया, लाला तेरे को धन चाहिए तो हम दे देंगे, अगर काली नाग जग गया तो तुम्हें अभी डस लेगा। अगर ले ले मगर ले सवा लाख की बोरियां, इतनों ले घरे जाओ रे लाला, तेरे रूप की ले हूं बलोरियां। अरे लाला तुम्हारे इस दिव्य स्वरूप को देख करके हमें दया आ रही है। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं नहीं, मुझे तो काली नाग को ही जगाना है, उसको ही लेकर के जाऊंगी। तो नागिन जगाने लगी, उठो उठो बलभद्र योद्धा, नागिन नाग जगाया। जैसे ही काली नाग को नागिन ने जगाया और जगाते से ही नाग उठ करके भगवान की ओर फुंकार मारने लगा, ये कहां से आया है। और भगवान के शरीर के ऊपर पूरा लपेट गया, चारों तरफ से भगवान के शरीर के ऊपर में लपेटा दे लिया। भगवान ने अपना शरीर को फुलाया, नाग की नस नस ढीली हो गई और भगवान उस काले नाग के फण के ऊपर में उछल करके भगवान विराजमान हो जाते हैं। उसके फण के ऊपर में नृत्य करने लगे, काले नाग के फण में जितना विष था वो धीरे धीरे निकलने लगा। भगवान नृत्य करने लगे, इधर माँ यशोदा दधि मंथन कर रही थी, उस समय एक मित्र जाकर के माँ यशोदा से कहने लगे, अरे मैया मात यशोदा दही बिलोवे, कानू में झंकार पड़ी, कनवा कूद गए काली देह में, गोकुल में हाहाकार मची। मैया यशोदा को जैसे ही आकाशवाणी हुई, मैया यशोदा तुरंत खड़ी होकर के ब्रजमंडल के समस्त गोपिकाओं को पीछे छोड़ देती है और यमुना तट पर आकर के यमुना में कूदने लगी। बलराम जी ने मैया यशोदा का हाथ पकड़ लिया, मैया हमारे लाला को कुछ नहीं होने वाला, हमारा लाला अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। मैया यशोदा विलाप कर रही है, उसी क्षण भगवान काले नाग पर नृत्य करते हुए यमुना के पुलिन से पानी से बाहर दिखाई देने लगे। सब ब्रजवासियों ने भगवान की स्वागत करने के लिए ताली बजाई है, कन्हैया की जय जयकार करने लगे, बोले काली नाग नथैया की जय हो।
भगवान उस काली नाग पर नृत्य कर रहे हैं। समस्त ब्रजवासी भगवान के दिव्य दर्शन करते हैं। काली नाग प्रभु से कहते हैं कि प्रभु हम जाए तो कहाँ जाए। भगवान कहते हैं कि देख तुम्हारे रहने से हमारे ब्रजमंडल की कितनी गैया मर गई है, तुम हमारे इस यमुना के पुलिन को छोड़ दो, अन्यत्र जगह चले जाओ। तो कालिया कहता है कि प्रभु हम चले तो जाएंगे लेकिन गरुड़ जी हमको खा जाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि अब हमारे चरण तुम्हारे मस्तक के ऊपर में पड़ गए हैं, हमारे चरणों की मोहर तुम्हारे मस्तक पर लग गई है, अब गरुड़ जी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। देखो अपन कोई जमीन खरीदते हैं, प्लाट खरीदते हैं, उसमें गवर्नमेंट की रजिस्ट्री हो जाती है, गवर्नमेंट का ठप्पा लग जाता है, रजिस्ट्री हो जाती है तो वो जमीन अपनी हो जाती है। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं कि मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक के ऊपर अंकित हो गए हैं, अब तुम हमारे हो गए हो, जाओ तुम कहीं पर भी चले जाओ लेकिन यमुना के पुलिन को छोड़ दो। तो प्रभु आज यमुना के अंदर से काली नाग को बाहर निकाल देते हैं और प्रभु वापस वृंदावन में आते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। प्रभु अब बछड़े चराना छोड़ करके बलराम जी के साथ में गैया चराने के लिए वृंदावन के वन में जाते हैं। समस्त ब्रजमंडल के ग्वाल बाल एक साथ बैठे रहते हैं, गैया चरती रहती है। भगवान उस वन में एक बांस का टुकड़ा उठाया और उस बांस के टुकड़े में सात छिद्र किए हैं। आज प्रभु के हाथ में बांसुरी आई है और भगवान जब बांसुरी का निनाद करते हैं, समस्त ब्रजमंडल की जितनी गोपिकाएं हैं भगवान के इस दिव्य बांसुरी के मधुर स्वरूप को सुना, समस्त ब्रजमंडल की गोपिकाएं अति आनंद को प्राप्त होती है। और भगवान जब बांसुरी का आलाप करते हैं तो ब्रजमंडल की जितनी गैया हैं वो घास भी खाती हैं, तो घास जितना उनके मुख में है वैसा का वैसा मुख बना करके अपने कानों को आकाश मार्ग की ओर करके जहां कन्हैया बांसुरी का निनाद करता है वहां दौड़ करके भगवान के सामने आकर के गैया खड़ी हो जाती है। ऐसे भगवान सुंदर बांसुरी का निनाद करते हैं। एक दिन प्रभु अपने मित्रों से कहा कि मित्रों दोपहर का समय हो गया है, हमें भूख लगी है, तुम कहीं जाकर के देखो कुछ भोजन की व्यवस्था हो जाए। तो भगवान के मित्र एक वृक्ष के ऊपर में चढ़े और कहने लगे कन्हैया और तो इधर कोई घर नहीं दिख रहा लेकिन एक जगह से धुआं आ रही है थोड़ी। तो भगवान कहने लगे कि अब धुआं आ रही है तो शायद कोई भोजन बना रहे होंगे, तुम जाओ। तो भगवान के दो चार मित्र जिधर से धुआं आ रहा था उस दिशा में गए हैं। वहां पर पंडित जी लोग एक जगह यज्ञ कर रहे थे। तो पंडित जी लोग स्वाहा स्वाहा कर रहे थे। भगवान के मित्र जाकर के थोड़ी देर तो पंडित जी लोगों के पास बैठे रहे। पंडित जी लोग कभी पुरुष सूक्त से कभी श्री सूक्त से हवन कर रहे हैं और देखो हवन करते समय बीच में बात नहीं करते। तो वो भगवान के जो मित्र थे थोड़ी देर में लौट करके आ गए। भगवान से कहने लगे कि प्रभु हम गए थे लेकिन जहां पर यज्ञ धुआं हो रहा था वहां पर पंडित जी लोग यज्ञ कर रहे हैं। तो भगवान कहने लगे अरे मित्रों तुम्हारी बुद्धि अभी कच्ची है। बोले कैसे? बोले ये बताओ तुमको घर में भोजन कौन कराता है? तो एक मित्र कहता है कि हमको घर में भोजन हमारी माँ कराती है, एक कहता है हमको भोजन काकी कराती है, एक कहता है हमको भुआ कराती है,
एक कहता है हमको दादी कराती है। तो भगवान कहने लगे कि अरे मित्रों, तुमको घर में किसी को काकी, किसी को भाभी, किसी को दीदी, किसी को भुआ, किसी को दादी ये भोजन कराती है, तो उन काकाओं के पास क्यों गए थे? उन पंडित जी लोगों के पास काहे को गए थे? उनकी घरवाली के पास जाते तुम तो तुम्हें भोजन मिलता। तो बोले कृष्ण, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अरे पहले क्यों बताएं, मैं तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा ले रहा था। तो अब की बार वो दौड़े दौड़े गए और पंडित जी लोग तो यज्ञ कर रहे हैं और उन पंडित जी के घरवाली के पास में ये भगवान के मित्र जाकर कहते हैं कि देखो भगवान कृष्ण और बलराम जी यहाँ पर गैया चरा रहे हैं, उनको भूख लगी है, उनके लिए भोजन दो। तो सब पंडित जी लोगों की घरवाली ने सुंदर थाल सजाया है, भोजन लिया है, एक कपड़े से ढका है। अब उनको ये मालूम था कि यज्ञ होता है तो बीच में पंडित जी लोग बोलते नहीं है, बात नहीं करते, तो उनके घरवाली को थोड़ा डर तो लग रहा था कि कहीं बोल ना जाए, लेकिन इतना मालूम था कि यज्ञ करते समय बीच में बोलते नहीं। तो उनके घरवाली ने सुंदर भोजन लेकर के थाल में रख करके कपड़े से ढक करके पंडित जी लोग जहां यज्ञ कर रहे थे उनके सामने से जाने लगे। तो पंडित जी लोग बोल तो नहीं सकते लेकिन स्वाहा स्वाहा करते करते कहने लगे अब उनको मालूम था कि बात तो करेंगे नहीं। अब महाराज पंडित जी लोगों की घरवाली दौड़ी दौड़ी गई और भगवान कृष्ण को भोजन कराया, बलराम जी को भोजन कराया। भोजन कराने के बाद में ब्राह्मणी कहने लगे कि हे कृष्ण, अब हम अपने घर को जाएंगे, हमारे घर वाले हमें डांटेंगे। तो भगवान कहते हैं कि मैं जिस जीव पर कृपा करता हूं उसको फिर कोई नहीं डांटता, तुम जाओ। तो वह ब्राह्मणी अपने घर में आई है तो पंडित जी लोग कहने लगे कहाँ गई थी? बोले यहाँ वन के अंदर में भगवान कृष्ण और बलराम जी को भोजन करा करके आई। तो पंडित जी लोग अपने घरवाली के चरणों में धोख लगाने लगे, अरे हमको तो इतने दिन हो गए स्वाहा स्वाहा करते, हमको तो कभी स्वप्न में भी दर्शन नहीं दिए और तुम अपने हाथों से भोजन करा करके आई हो, देवी तुम बड़ी भाग्यवान हो। जहां पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल चित्र न पावा। ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल चित्रन भावा, मोहि कपट चल चित्रन भावा, मोहि कपट चल चित्रन भावा, चल श्री हरि भगवान की। आज प्रभु यज्ञ नारायण के पत्नियों पर कृपा की है। एक दिन प्रभु ने अपने मित्रों के साथ में कहा कि देखो मित्रों, व्यक्ति ज्ञान तो कहीं से भी अर्जित कर सकता है। भगवान के मित्र कहने लगे कि हे कृष्ण, तुम्हें लोग कहते हैं जगत गुरु। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणोर मर्दनम, देवकी परमानंदम
कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। तो तुम जगद्गुरु हो, हमें थोड़ा शिक्षा दो ना। तो भगवान कहते हैं कि देखो मित्रों, ये वृक्ष है, ये बड़ा होकर के लोगों को फल देता है, छांव देता है, और जब इसको काट लेते हैं तो इसका घर के अंदर में फर्नीचर बन जाता है, दरवाजे बन जाते हैं, जला करके भोजन पका लेते हैं, ये सब जगह काम आता है। जलने के बाद में इसकी राख भी काम आती है, बर्तन साफ कर लेते हैं। कि लकड़ी जल कोयला भई और कोयला जल भई राख, मैं बेरन ऐसी भई कि कोयला भई न राख। गोपिकाएं कहते हैं कि हमारा भाव ये था कि कृष्ण हमारे घर में आए। वृंदावन में जो नया नया विवाह हुआ है, गोपिकाएं वो भगवान का दर्शन करने के लिए तरसती है, क्योंकि हम रोज रोज कृष्ण के घर जाएंगे तो हमारी सास हमें डांटेगी। लेकिन प्रभु जब प्रातःकाल गौचरण के लिए जाते हैं, उस समय वृंदावन की गोपिकाएं अपने घर के छत पर खड़ी हो जाती है और भगवान के उस छवि का दर्शन करती है। सायंकाल जब अपने घर आते हैं प्रभु, तो उस समय अट्टालिकाओं पे खड़ी होकर के गोविंद का दर्शन करती है। भगवान की इस दिव्य झांकी को देख करके समस्त वृंदावन की गोपिकाएं अपने आप को बहुत बड़ी भाग्यशाली मानती है और कहती है कि हमसे ज्यादा भाग्यशाली तो इस वृंदावन में माता यशोदा है, जो भगवान को रात्रि में अपने साथ सुलाती है। इतने में एक गोपी कहती है कि यशोदा से ही ज्यादा भाग्यशाली तो वृंदावन की गैया हैं, जो दिन भर भगवान उन गैयाओं को चराते हुए वन के अंदर में घूमते रहते हैं। इतने में एक गोपी कहती है कि हमसे ज्यादा भाग्यशाली तो इस वृंदावन के अंदर में हिरणी है, जो वन के अंदर में प्रभु गौचरण कराते हैं, उस समय वो हिरणी आकर के खड़ी हो जाती है और एक टकपल से भगवान का दर्शन करती रहती है। हम भगवान को थोड़ी देर खड़ी होकर के देखते हैं तो हमारी सास हमें डांटने लगती है, पागल हो गई क्या, घर में काम नहीं है क्या, इसलिए हमसे तो सबसे ज्यादा भाग्यशाली वृंदावन में हिरणियां हैं, जो नित्य दिन भर भगवान का दर्शन करती रहती है। इतने में एक गोपी कहती है कि अरे इस वृंदावन में सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली है तो एक बांसुरी का टुकड़ा है, जो 24 घंटा भगवान के साथ रहता है। दिन भर प्रभु गौचरण के लिए जाते हैं तो उस समय भगवान अपने हाथों में रखते हैं, और जब रात्रि में शयन करते हैं तो प्रभु अपने तकिए के नीचे दबा देते हैं और सो जाते हैं। तो वो बांसुरी का टुकड़ा कितना भाग्यशाली है। तो बांसुरी के टुकड़े से गोपिकाएं कहती है, अरे बांसुरी, तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो भगवान 24 घंटा तुम्हारे को साथ में रख रहे हैं। तो बांसुरी कहती है कि देखो गोपिकाओं, मैं जब भी बोलती हूँ तो हमेशा मीठा बोलती हूँ, मेरे अंदर में कोई वासनाएं नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरता, कोई भी वासनाएं मेरे अंदर में समाहित नहीं है। तो भाई अपन को भी भगवान का अपन प्रिय बने क्या करना है, जब भी बोले तो अपन को मीठा बोलना है। कि वाणी ऐसी बोलिए अरे मन का आपा हो, औरन को शीतल करे तो आपहु शीतल हो। आज वृंदावन की गोपिकाएं यही इच्छा है कि प्रभु हमें भी आपका कब सानिध्य प्राप्त हो। तो भगवान तो सर्वांतर अमीन है ना, सबकी बातें जानते हैं,
सबके मन को जानने वाले प्रभु ने एक दिन विचार किया कि गोपिकाएं आज मेरा संग करना चाहती है। तो भगवान ने आज सायंकाल के समय में सुंदर श्रृंगार किया है। सुंदर श्रृंगार करके बांसुरी से कहने लगे, अरे बांसुरी, आज तक मैंने तेरी सेवा की है। तो बांसुरी कहती है, प्रभु आपने क्या सेवा की? बोले, मैंने अपने होठों का तकिया बना करके तुम्हें सुलाया, मेरी अंगुलियों से तेरे चरण दबाए हैं। तो बांसुरी कहती है, प्रभु आप क्या कहना चाहते हैं? तो भगवान कहते हैं कि अरे बांसुरी, आज वृंदावन के अंदर जितने चराचर जीव हैं, उन सब जीवों को मैं महाराष्ट्र में प्रवेश कराना चाहता हूं। तो प्रभु ने अपना सुंदर श्रृंगार किया है, गले में वेजंती माला पहनी है, पीतांबर पहना है, हाथ में बांसुरी का टुकड़ा लेकर के प्रभु आज शरद रात्रि की पूर्णिमा के दिन प्रभु वृंदावन के वन में जाकर के सुंदर बांसुरी का निनाद प्रभु कर रहे हैं। जैसे ही बांसुरी का निनाद प्रभु ने किया, वृंदावन में जो गोपिकाएं सायंकाल के समय में जो जो काम कर रही थी, उस सब कार्य को छोड़ करके भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी है। एक गोपिका अपना श्रृंगार कर रही थी, जो आंख में लगाने वाली चीज है वो तो होठों पे लगा ली, और होठों पे लगाने वाले को आंखों में लगा ली। एक गोपी वस्त्र पहन रही है तो पहनने वाले को ओढ़ लिया और ओढ़ने वाले को पहन लिया। उलटे पुलटे वस्त्र संभाले, पहनू के पैरों के आभूषण हाथों में डाले, अरे पलना में ललना रोवत छोड़े, छोड़े खुले की वाड़ सखिया छोड़ चली संसार। आज प्रभु से मिलने के लिए गोपिका इतने तेजी से दौड़ रही है, जो जो कार्य कर रही है उस कार्य को वहीं पर छोड़ती है और भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी है। देखो, ये गोपिकाओं का अति पावन भजन है, आप सब लोगों को आता ही होगा। इस पावन भजन को आप सब लोग बड़े प्रेम के साथ में मेरे साथ गए। ये भगवान से मिलने वाला भजन है। भगवान के पास जाकर के गोपिकाएं कहती है, अरे कन्हैया, तुमने बांसुरी बहुत अच्छी बजाई, हमें ऐसा लगा कि बांसुरी में हमारा ही नाम पुकारा है। तो आज वृंदावन की गोपिकाएं भगवान के पास जाकर कन्हैया से कह रही है, हो बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, हो मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला, नंद लाला रे गोपाल लाला, हो नंद लाला रे गोपाल लाला, जय हो
हंसी की आवाज माने रसोईया सुनी ने, हंसी की आवाज माने रसोईया सुनी ने, हंसी की आवाज माने रसोईया सुनी। हल्का 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 बेलोड़ा छोड़ाई रे ने, फुलड़ा छोड़ोड़ा छोड़ाई रे नंदलाला, फुलड़ा छोड़ाई रे नंदलाला, ओ नंदलाला रे गोपाल लाला, ओ नंदलाला रे गोपाल लाला। बंसी मुरली बंसी जोर की बजाई रे छबी पे
सब बलहारी बोल बोल और गैया श्याम नबी पे सब बलहारी बोल बोल और गैया सरसी सरस चल रे मदरैया पुरखा बरसे रे श्याम संग राधा नाचे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे ओए श्याम संग राधा नाचे रे सब जग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे भूले बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे ओ श्याम संग राधा नाचे रे पावन वृंदावन आज मेरा मन भय सुखी रे पावन वृंदावन राशि रचो है राशि रचो है।
वृंदावन धाम आज रास रचो है रास रचो है राधा नाच कृष्ण नाच नाच गोपी संगे 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 अरे आज मेरो मन भय सुखेरी पावन वृंदावन आज मेरो मन भय सुखेरी पावन वृंदावन रासे रचो है रासे रचो है आज रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे आज रास रचो छोरी में डाल दे हे गोरी घूंघट उतार दे प्रेम की भिक्षा छोरी में डाल दे ब्रह्म और आत्मा का यही महाराज है ब्रह्म और आत्मा का यही महाराज है यही महाराज है यही महाराज है समस्त गोपिकाएं भगवान के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। भगवान समस्त गोपिकाओं को देखकर पूछने लगे, अरे गोपिकाओं, ऐसी दौड़ी दौड़ी क्यों आई हो? क्या वृंदावन में कोई संकट आया है? सब कुशल मंगल तो है ना? तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं क्या करूं?
इस अर्धरात्रि में इस घनघोर अंधकार में अकेली नारी का आना ठीक नहीं है। क्या वृंदावन की शोभा निहारने के लिए आई हो? क्या इस सुंदर रात्रि का सौंदर्य निहारने के लिए तुम आई हो? शोभा निहार करके तुम शीघ्र अपने घर चले जाओ। हे गोपिकाओं, तुम्हारा पति चाहे क्रोधी है, कामी है, लोभी है, जैसा भी है, नारी का धर्म होता है कि अपने पति की आज्ञा का पालन करे। देखो, भारतवर्ष में जितना पातिव्रत धर्म है वह अन्यत्र कहीं दिखाई नहीं देता। भारत की नारी पातिव्रत धर्म के अंदर अग्रगण्य मानी जाती है कि जब लखनलाल जी को, लक्ष्मण जी को बाण लगा था, उस समय लखनलाल को जीवित करने के लिए उपाय बताया गया कि या तो लक्ष्मण जी को जीवित करना है तो संजीवनी बूटी लेकर के आओ, और या फिर जगत जननी मां जानकी जी लखनलाल को जीवित कर सकती है। ऐसे महाराज भारतीय नारी अग्रगण्य पातिव्रत धर्म में प्रबल है। एक बार एक विदेश में किसी नारी का पति मर गया था, तो उस नारी ने अपने पति के साथ में जहां पर कब्र खोदी गई थी, उस कब्र के साथ तक गई, कब्र को ईंटों से चिन दिया गया। अब वह नारी उस कब्र को हवा करने लगी। जैसे ही हवा करने लगी तो लोग सोचने लगे कि देखो, इसका पति कब्र में मृत्यु को प्राप्त हो गया है, ऊपर कब्र चिना दी गई है, फिर भी यह हवा कर रही है, ये तो भारत को भी पीछे कर दिया। महाराज उस नारी से पूछा कि देवी, तुम इस कब्र को हवा कर रही हो, इसका मतलब क्या है? बोले, हमारे देश में ऐसा रिवाज है कि जब तक कब्र सूखती नहीं है तब तक हम दूसरा विवाह नहीं कर सकते, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सुखा रही। तो पता चला कि जो भारतीय नारी पातिव्रत धर्म में जितनी प्रबल है और देश की नारियां नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि अरे गोपिकाओ, तुम्हारा पति चाहे कामी है, क्रोधी है, लोभी है, जैसा भी है, भारतीय नारी का धर्म होता है कि अपने पति का आज्ञा का पालन करें। भगवान कहते हैं, तुम मेरे सम्मुख आई, गोपियों को धर्म उपदेश प्रभु ने दिया है। जो स्त्री अपने घर में रहकर भली भांति गृहिणी धर्म का पालन करती है, उसमें पवित्र रहने की अनुकूलता की कोई आवश्यकता नहीं। प्रभु ने समस्त ब्रजमंडल की गोपिकाओं को सुंदर उपदेश श्रवण कराया है। सतजन्य सर्व विश्वाणां पादमूलं च तक्तते। हे गोपिकाओं, आप पति पावन दया की सागर हैं, आपको यह काम शोभा नहीं देता, तुम अपने अपने घर चली जाओ। तो गोपिकाएं हाथ जोड़ करके प्रभु से कह रही है, हे कृष्ण, सब पतियों के पति तो आप हैं, हे कृष्ण, पतियों के पति तो आप हैं, आप अपनी योग माया से हमें हमारे घर भेज देंगे तो हम पागल सरी की हो जाएंगी।
हे कृष्ण आप हमें अब अपने घर मत भेजो। भगवान बार बार समझा रहे हैं गोपिकाओं, तुम अपने घर चली जाओ। गोपिकाएं सब मना करके भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगी कि हे कृष्ण हम तुम्हारी हैं। तो भगवान को गोपिकाओं के ऊपर दया आई और महाराज प्रभु ने किया। अब जैसे ही महाराज प्रारंभ हुआ तो गोपिकाओं के मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया कि हम सुंदर ज्यादा हैं, सौंदर्यवती ज्यादा हैं, इसलिए प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। तो भगवान देखते हैं कि जिस जीव के मन में थोड़ा सा अभिमान आ जाता है उस जगह से मैं अलग हो जाता हूं। तो भगवान रास करते करते उन गोपिकाओं के माध्यम से अंतर ध्यान हो गए। अब जैसे ही अंतर ध्यान हुए समस्त गोपिकाएं इधर उधर भगवान को देखने लगी, लेकिन प्रभु कहीं नहीं दिखाई दिए। तो आज ब्रजमंडल की समस्त गोपिकाएं रुदन करने लगी और रो करके एक राग आलापी एक गीत गाया है, उसको कहते हैं गोपी गीत। जो गोपी गीत का नित्य पाठ करता है उस पर भगवत कृपा एक दिन भगवान दर्शन देते हैं। आज ब्रजमंडल की गोपिकाओं ने एक गीत गाया है, उस गीत को गोपी गीत कहते हैं। आप जिसको गोपी गीत याद है वो मेरे साथ में गाएं और जिसको नहीं याद है तो प्रेम से ध्यान से श्रवण करें। कुछ श्लोक में गोपी गीत के गा रहा हूं, आप लोग ध्यान से श्रवण करें और जिसको याद है वो मेरे साथ में गान करें। जयेति तेधिकं जन्मना व्रजे शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दीक्षुता स्वीद्रता स्वाचिन्वते सदुदास साधु जात सत सास
भयम् वृष्णि धूर्यते चरणमीयुषां संस्रते प्रियदधिमहि कर्कशेषु तेनाद्विमटसि दद्यवतरे क्वचि किञ्चित् कृपारधीरधीरवति यदूषां नः इति गोपे प्रगायन्ते प्रपवन्तेश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शने लालसाम् तासामाविर्भूषोरी स्वेमानमुखाम्बुजः पीताम्बरं धरश्रगवी साक्षात् मन्मथ मन्मथ। गोपी गीत के माध्यम से ब्रजमंडल की गोपिकाओं ने जो गीत गाया है वह गोपी गीत है। इस गोपी गीत के प्रथम श्लोक के अंदर में गोपिकाएं कह रही है, हे कृष्ण जयति ते धिघं जन्मना व्रज शयत इंदिरा सस्वरत्रही। हे कृष्ण ये वृंदावन तो पहले भी था लेकिन जब से आपका पदार्पण इस वृंदावन में हुआ है तब से इस वृंदावन की शोभा और ज्यादा बढ़ गई है।
जैसे कोई अपना भारत का प्रधानमंत्री कोई छोटे गांव में कहीं जा रहा हो और छोटे से गांव में किसी किसान के यहाँ 5 मिनट के लिए रुक जाए तो तुरंत उस किसान का घर टीवी चैनल में आने लगता है कि प्रधानमंत्री ने अमुक व्यक्ति के घर में 5 मिनट रुक करके पानी पिया, चाय नाश्ता लिया। तो ऐसी गोपिकाएं कह रही हैं, कृष्ण वृंदावन पहले भी था लेकिन तुम्हारे पदार्पण से इस वृंदावन की शोभा और ज्यादा बढ़ गई है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सरदुदास ये साधु जात सत सरसि जो दर श्री उषा त्रिषा। हे गोविंद, आपको ये सोचते होंगे कि मैं इन गोपिकाओं के मध्य में से अंतर्ध्यान होकर के बहुत अच्छा काम किया। हे कृष्ण, ये अच्छा नहीं किया है, अबला नारी को इस जंगल में वन में छोड़ करके आप हमसे अंतर्ध्यान हमसे दूर हो गए हैं। आप ऐसे ही करना था तो देवराज इंद्र ने इतनी बारिश की थी, हमें क्यों बचाया? अघासुर से बकासुर से आपने क्यों रक्षा की? उस समय हम मर जाती, आपने पहले रक्षा की है और आज हमें छोड़ करके चले गए हो। गोविंद, ये अच्छा नहीं है। गोविंद, आप कहती हो कि मेरे बिना जीवित नहीं रह सकते तो तुम मर जाओ। हे गोविंद, मरे भी तो कैसे मरे? कि नाम पहारू दिवसन सी ध्यान तुम्हारे कपार, लोचन निज पद जंत्रित प्राण कहीं के बार। हे कृष्ण, हम मरना तो चाहते हैं, हमारे प्राण निकलना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारा ध्यान करते हैं, तुम्हारा नाम लेते हैं तो हमारे प्राण वहीं अटक जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। आपका नाम दिन रात हमारी रक्षा करता है, आपका ध्यान हमारा द्वार है, नेत्र अपने चरणों में लगाए रहते हैं फिर भी प्राण बाहर नहीं निकलते हैं। क्या हमारी वृंदावन छोड़ करके तुम्हारे पास आई हमारे भक्ति में कुछ कमी है? भाई छोड़ा, बंधु छोड़ा, छोड़ा कुटुंब कबीला, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरान कोई रे। गोपिकाएं भगवान की ओर कह रही है, कृष्ण कोई वस्तु में क्षण नहीं, चित में नहीं न चोट, अलबेली आवे तो हरि आवे मुझको ओर। हे कृष्ण, हमारी विरह के अंदर तुम्हें अच्छा लगता हो तो ठीक है, हम विरह में दुखी होती रहेंगी, लेकिन हमारा कृष्ण जहां रहे अच्छा रहे। ऐसी लागी लगाई कहां तू जायसी, कहां जायसी लगन ते, तुम देखे बिन कलन परत है तड़प तड़प जीव जाम। रुरुदुहु सुस्मरम राजन कृष्ण दर्शन लाल श्याम। हे कृष्ण, हम तुम्हारी प्रतीक्षा करने के लिए बैठी रहेंगी। ढूंढते ढूंढते सभी गोपिकाएं थक गई है, हार गई है, जब से तू गया है हमारे मन में बड़ी बेचैनी है। दर्श बिन दुखन लागे नैन, जब के तुम बिछुड़े पिवयों कब हुन पावे चे। हे कृष्ण, हम हमारी परीक्षा से तुम्हें नहीं प्राप्त कर सकती, आप दया करो। तो आज प्रभु दया करने लगे हैं,
गोपिकाएं मूर्छित होकर के जंगल में सो गई, बेहोश हो गई है, मूर्छित हो गई है। तब भगवान प्रकट होकर के अपने सुंदर बांसुरी को अपने होठों से लगा करके बांसुरी का निनाद प्रभु करने लगे। रुरुदुहु सुस्मरं राजन कृष्ण दर्शने लालसा, वृंदावनं परितज्ये पादमेकं न गच्छति। जैसे भगवान बांसुरी बजाने लगे तो गोपिकाएं मूर्छित पड़ी थी, बांसुरी की ध्वनि कानों में सुनाई दी, जैसे कोई मूर्छित व्यक्ति को ग्लूकोज लगा दे तो धीरे धीरे उसको सचेष्ट होने लगता है। ऐसे ही गोपिकाएं धीरे धीरे बैठी हुई खड़ी हो गई और भगवान से कहने लगी, कृष्ण क्या तुम्हें छोड़कर जाना अच्छा लगता है? और भगवान को डांटने लगी। समस्त ब्रजमंडल की गोपिकाएं कह रही है, कृष्ण क्या हमारी भक्ति में कुछ कमी थी क्या? हमें छोड़कर के तुम क्यों चले गए? तब गोपिकाओं को भगवान कहते हैं कि अरे गोपिकाओं, तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नहीं थी, तुम्हें थोड़ा सा अभिमान हुआ है। तो गोपिकाएं कहते हैं कि इस अभिमान को तो आप दूर करो, हम संसारी जीव हैं। गोपिकाएं एक प्रश्न कर रही है, कृष्ण हम तुम्हें एक प्रश्न पूछ रही हैं। एक गोपी खड़ी होकर के भगवान से प्रश्न करने लगी, कृष्ण बताओ, एक तो वह जीव है जिसको हम दिन रात याद करें, वह कौन सी श्रेणी में आता है? तो भगवान कहते हैं कि गोपी, सामने वाला व्यक्ति याद करे या ना करे, माता पिता तो उसको हमेशा याद करते ही रहते हैं, वो जीव आता है माता पिता की श्रेणी में। तो गोपी दूसरा प्रश्न कर रही है, कृष्ण ये बताओ कि सामने वाला याद करे, उसकी याद में वो भी उसे याद करे। तो भगवान कहते हैं वो होता है स्वार्थी जीव, तुम हमें बुलाओगे तो हम भी तुमको बुलाएंगे। तीसरा प्रश्न कर रही, तो हम कौन सी श्रेणी में हैं? तो भगवान कहते हैं गोपिकाओं, तुम्हारा ऐसा अद्भुत प्रेम है कि मैं देवताओं की आयु लेकर भी तुम्हारे ऋण को चुका नहीं सकता, तुम्हारा प्रेम बहुत शुद्ध प्रेम है। तो आज ब्रजमंडल की गोपिकाओं के साथ में भगवान महाराज करने लगते हैं। उस समय भगवान शंकर ने देखा कि प्रभु महाराज कर रहे हैं, तो शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि पार्वती जी, आप इतना सज धज करके कहां जा रहे हो? तो पार्वती जी कहने लगी कि आप कहीं जाते हो तो मैं पूछती हूं क्या आपसे, कहीं जाऊं आपको क्या? बोले नहीं नहीं, बताओ तो सही कहां जा रही है? बोले भगवान महाराज कर रहे हैं, उस महाराज में जा रही थी। तो भगवान कहने लगे कि मेरे को भी ले चलो ना। बोले उस रास में केवल नारियों को ही प्रवेश है, पुरुषों को प्रवेश नहीं है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि तू मेरे को भी नारी बना दे। तो आज पार्वती जी शंकर जी को साड़ी पहना करके उस महारास में ला रहे हैं और प्रभु महारास कर रहे हैं। उस महारास में भगवान शंकर कैसे आ रहे हैं, किस प्रकार से महारास का आनंद ले रहे हैं, अपन भी इस भजन के माध्यम से प्रभु की महाराज को देखें। वो एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना निहारी, पार्वती जी मना निहारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
संग में, प्रिय संग में। ओ पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राज कर देगी ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारे वृंदावन आ गए। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, उस रास में। ये मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, हाँ रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बातें हमारी बन की ब्रज की नारी वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई बना दो मुझे, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ये सहेली मेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के जोड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी पंच ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
समझ गए हैं सारी बात रे, सब बात रे। ओ मोहन दिखा जब समझ गए इस राज को, इस राज को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। किसक गई जब सर से साड़ी, किसक गई जब सर से साड़ी, मुस्काए बनवाई वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। दिन वो भोले भंडारी पंक्ति ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। दिन वो भोले भंडारी पंक्ति ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। शंकर भगवान की जय हो। आज महाराष्ट्र के अंदर में भगवान शंकर जी आए हैं, हजारों गोपिकाओं का झुंड है। प्रभु ने देखा कि आज तो एक हट्टी कट्टी गोपी आई है। महाराष्ट्र होने के बाद भगवान कहने लगे कि अरे गोपिकाओं, आज ये लग है, कहां से आई है? तो भगवान कहने लगे कि अरे गोपिकाओं, में तुम सबका मुख देखना चाहता हूं, एक बड़ी लाइन लगा लो। तो भगवान शंकर ने देखा कि इतने हजारों गोपिकाएं हैं, भगवान देखते देखते थक जाएंगे। गोपिकाओं ने लाइन लगाई तो भगवान शंकर सबसे पीछे जाके खड़े हो गए। अब कन्हैया को क्या लगी कि सबसे पहले पीछे से ही मैं स्टार्ट करूंगा। तो भगवान शंकर पीछे खड़े हैं और कन्हैया दौड़ते हुए पीछे गए, और जैसे ही भगवान शंकर के पास गए, भगवान समझ गए कि ये आज महाराष्ट्र में शंकर जी आए हैं। भगवान ने बांसुरी का निनाद किया। उस समय भगवान शंकर अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठे, और जो साड़ी पहन करके आए थे वो सब नीचे गिर पड़ी, और भगवान शंकर जी महाराज में नाच करने लगे, नृत्य करने लगे। जय हो, बोले शंकर भगवान की जय। ऐसे महाराज